नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी, और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो हैं इंटरनेशनल स्विमर आलिया सिंह। आलिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए सवाल पूछेंगे आलिया से कि आखिरकार आलिया का ये सफर कैसे कंप्लीट हुआ और कैसे आलिया एक इंटरनेशनल स्विमर बनी है और आगे के लिए आलिया का क्या प्लान है। लेकिन उससे पहले मैं आलिया से जानना चाहूंगी, आलिया स्विमर बनने का ख्याल कहाँ से आया? मतलब जब मैं बचपन में थी तो मुझे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था, सांस में लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्हें बोला कि आप इसे स्विमिंग कराओ कि उससे लंग पावर बढ़ेगी। तो धीरे धीरे मैंने फिर पापा मामा ने मुझे सिखाया स्विमिंग, फिर रामाज्ञा स्कूल में मैंने धीरे धीरे करा, फिर मेरी स्विमिंग अच्छी हुई। तो फिर उन्हें बोला चलो आप स्कूल टीम में, मतलब स्कूल वालों ने बोला कि आप स्विमिंग टीम में आ जाओ। तो वहाँ से मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल जीते, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में। तो मतलब एक बीमारी ने आपको एक इंटरनेशनल स्विमर बना दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत इसी बीमारी के साथ हुई जब कहा गया कि आप स्विमिंग करना सीखो, और उसके बाद फिर आपने स्विमिंग करना शुरू किया। पहली बार मौका कहाँ मिला, किसने दिया, और पहला जो प्राइज था वो आपका क्या था, शेयर करना चाहिए। स्विमिंग तो मेरे माता पिता ने ही सिखाई थी, उन्हें थोड़ी स्विमिंग आती थी तो मैंने थोड़ी करी थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद फिर मेरी स्विमिंग कोच ने मुझे देख लिया था स्विमिंग करते हुए, फिर थोड़ा पोटेंशियल दिखा तो फिर उसने बोला कि चलो आप स्कूल टीम में आ जाओ वगैरह। तो मैं वहाँ से मैंने करा, फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई पूरी, तो मेरी स्विमिंग बहुत अच्छी हो गई थी। और मेरे डिस्ट्रिक्ट मेरा पहले आई थिंक मेडल था 15A में, जब मैं ग्रुप, मतलब मैं थी 6, 7 या 8 साल की थी तब मेरा था, तो मेरा गोल्ड मेडल आया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो उससे ही फिर प्रोग्रेस हुआ, फिर मेरे गोल्ड मेडल आए, फिर स्टेट में मैं गई, फिर पूरा गोल्ड मेडल, फिर यहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिल के फिर मैंने स्विमिंग को फिर मैंने पूरा टाइम दिया। फिर एक इंटरनेशनल स्विमर आलिया को कैसा लगता है जब वो स्विमिंग करती है? मेरा बस यही होता है कि जो मैं हूँ मैं उससे बेहतर बनूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे बेहतर है, तो मुझे बहुत मेहनत करना है। मतलब मेरे कभी भी दिमाग में नहीं चढ़ता कि मैं बेस्ट हूँ वगैरह, मुझे मेरा ये हमेशा यही रहता है कि मतलब मैं और मेहनत करूँ, और अच्छा करूँ, और अच्छा करूँ, तो फिर यही है। वो एज क्या रही होगी जब आपने सबसे पहली बार तैरना शुरू किया था और पानी में उतरी थी, क्या उस वक्त डर नहीं लगा था वो पानी है बहुत ज़्यादा, मैं तैरूंगी कैसे, कैसा महसूस? मैं एक्चुअली मैं जब छोटी थी 1-2 साल की, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता था। मतलब अच्छा। मैं टब में भी थी, मैं नहाती थी, तो मुझे कभी डर नहीं लगा था। तो हो सकता है कि मेरा मैं बनी स्विमिंग करने के लिए थी, तो फिर मुझे कभी पानी से डर नहीं लगता था। ओलंपिक्स में जाने का सोचा है, कैसे पहुंचेंगी वहां तक? सारी जो आपकी जो खाका है आपके मन में वो तैयार हो चुका है ओलंपिक्स में जाने का? हाँ, 2020 का भी है मेरा अभी, अगर मेरा क्वालिफाइंग टाइमिंग आ जाता है तो फिर सही है, नहीं तो 2024 फॉर श्योर। बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल ही। चले, तो उम्मीद करते हैं आलिया हमको अगली बार ओलंपिक्स में जीते दिखें और गोल्ड मेडल के साथ दिखें वो हमको। आलिया, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा मैसेज जो आप बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को देना चाहेंगे, खास करके जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको, अपने ड्रीम्स को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कैसे पूरा करना चाहिए, अगर कुछ हर्डल्स हैं तो वो उसको कैसे हटाएं, पूरे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करें और आगे बढ़ें, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसा छोटा सा मैसेज मैं फीमेल स्पोर्ट्स पीपल को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो, मतलब गिव अप मत करना, कि आपकी फैमिली कभी अगर आपको प्रेशर करे कि नहीं ये मत करो, आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और आप किसी से कम नहीं हो, आपके पास भी सेम एबिलिटीज़ हैं वगैरह, क्योंकि गुड एग्जांपल साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सारे इतने अच्छे ओलंपिक मेडलिस्ट लड़कियाँ ही तो मतलब अभी रियो 2016 में ला रही हैं। तो फिर मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि अपने माता पिता अपने बच्चों को मना करें स्पोर्ट्स में खेलने से या कुछ। तो यही है कि जो आप कर रहे हो आप वही करना आपको चाहिए स्पोर्ट्स, और आप कभी गिव अप मत करना अपने ड्रीम। बिल्कुल, तो आलिया ने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। आलिया का ड्रीम अब फिलहाल ओलंपिक्स में जाना है, वहाँ गोल्ड मेडल हासिल करना है। उम्मीद करते हैं कि आलिया ओलंपिक्स में जाएं और गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए, इस देश के लिए लेकर आए। फिलहाल आलिया, आप हमारे साथ जुड़ी बहुत सी बातें जो ब्यूटीफुली आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।